आंटी को सबसे सुंदर भी यही लगी है। नहीं निकला और निकल गया। आंटी आपकी बेटी ने क्या करा? My God! प्राची अगर बेटा तू ब्लॉग देखे ना तो मेरी रिक्वेस्ट है साड़ी जरूर लेना। यस ओके प्राची तू ब्लॉग मत देख रहा। Hi guys, good morning, welcome back to our new vlog. कहाँ जा रही है बेचारी का अभी तक गला और वो चीख ठीक ही नहीं हुई। सुबह सुबह इसका गला और ये चीख थोड़े ज्यादा हाई लेवल पे रहते हैं, दिन में थोड़ा ठीक होते हैं, रात को होते होते एकदम कम होते हैं। तो इसकी मस्ती चालू होती है रात को जब सबका सोने का टाइम होता है तब उदम मचाती फिरेगी, फिर सुबह उठते फिर फ्यूज। अरे यार गले गला जो जुकाम के मतलब लगने के बाद खराब होता है ना वो उसका अभी तक ठीक ही नहीं हो पानू का। वो रात को पूरे रात खुल 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 रात को कर रही है पागलों की तरह। रात को 3-4 बजे उठ के पानी पी रही है कभी खाते तो वो बीमार है ना। खांसी नहीं खांसी आए तो खांसी नहीं कोई इंसान है ऐसे खांस रही है। सो भाई आज ना कोई मम्मी को काम है ना आज कोई ग्रहण है तो आज ना कोई बहाना चलेगा। आज पहले मेरी मम्मी को शॉपिंग करा के जाओगे तुम लोग। तो एक काम कर अपनी मम्मी को यहाँ बुला पहले, वो कुछ ना कुछ बहाना दे देती है। आज मैं बिजी हूँ, आज चंद्र ग्रहण है। सो आज ये लोग शॉपिंग में जा रहे हैं, फिलहाल अभी थोड़ी देर में जाएंगे ये लोग। तो पहले तो हम लोग जाके आ रहे हैं भाई, हमारे दोस्त लोग खेल रहे हैं क्रिकेट मैच, अहितेश जी बोल रहे हैं कि चलो मैच देखने चलते हैं। तो हम लोग अभी पहले वहां जा रहे हैं, थोड़ी सी मस्ती करके आते हैं। जब तक तुम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो हम मैच देख कर आते हैं और फिर तुम लोग शॉपिंग पे निकलना। ओके गाइस आ जा आ जा आ जा। चले भाई मैच देखने। चल 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 भाई तेरे को बैटिंग कराते हैं नहीं कराते भाई मेरे इनको बाहर जब बॉल बाहर चल जाती है ना बहुत दूर कोई छक्का मारता है इनको भेजते जाते हैं गोल लेके आ। दोस्तों स्टेडियम को बोल कर पता नहीं जंगल के अंदर लिया है, अभी तक हमारे को रास्ता नहीं मिल रहा है आधी का राइट। अरे भाई रास्ता नहीं लेफ्ट इधर से ले लो भैया। हाँ देखो कुछ तो है यार ये पता ही नहीं कहाँ लेके जा रहा है। आधी जगह पे रोड बंद है भाई, वो आए कहाँ से होंगे उनसे पता करना भाई। अरे इधर लेना है अपने को इधर लेफ्ट आगे से। तो ये 4 बार आ चुका है, इसको ये नहीं पता कहाँ पर है ग्राउंड। मैं 2 बार आया हूँ, ये ऐसे जंगलों में तो मुझे खुद से जैसे पक्की रोड आती है ना इतनी शांति मिलती है। हाँ भाई कहीं आ गई आ गई आ गई आ गई हितेश भैया रोड तो आ गई रिसोर्ट में आ गए। यहाँ किसने घुमा दी गाड़ी यार, सर्कल का घुमा लो चक्कर बाहर निकालो। ये सपन ओके कहाँ आ गए भाई अपन। यार हितेश जी यार आज आप बिना मैं सिखाए स्वप्न लोग है कि हाँ रिसोर्ट स्कूल में आया था मैं तो यहाँ पर पिकनिक बनाने। हाँ भाई रिसोर्ट है स्कूल वाले लेके आते थे यहाँ। शाइन का तो मैच चल रहा है तो फोन नहीं उठाई हुई। अरे यार चलो तेज जी के भरोसे तो मैं भाई भाई मैं क्या करूँ रोड ही बंद है तो यार इसमें तेज जी क्या करे। तो रास्ता याद नहीं है एक भी भाई, यही रास्ता है जो रोड बंद है मुझे कौन सा रास्ता है मेरा क्या उधर ससुर वाले के जो रोजी। चलो रे यार भैया चलो चल चलो देखो सीधा बता रहा है नाप दी यहाँ पर डर लग रहा है रेत में अटक जाए गाड़ी किसी की। हाँ मेरे दोस्त मैं तेरी बैटिंग देखने के लिए आ रहा था। आउट हो गया अब वही जब तो करके आता मैं खेल लेता डिफेंस डिफेंस पहली बॉल पे आउट हो गया। ये तो कभी कभार दिखता है भाई यार हमारे आजकल ना फोन उठाता ना वो बड़े लोग हो गए बड़े लोग। भी दोस्त निहाल नहीं कर रहा है, दो थे दोनों ये पवेलियन में बैठे इनके लिए आया था मैच देखने इतनी दूर 1 घंटा गाड़ी चला के। अरे खेल ले थोड़ी देर ये देखो कप्तान भाई जिस दिन तुम रन नहीं बनाओ उस दिन चुपचाप बैठ जाओ किसी को कुछ ज्ञान नहीं। पिछले मैच में 50 मार के आया, इस मैच में तू जैसे आया ना आउट हो गया। मेरे आने के बाद होता तो मैं मनुष्य मान लेता खुद को भाई। भाई पिछले मैच में भाई बताओ पिछले मैच क्यों जीते थे शुरू से लेके एंड तक हितेश था हमारे साथ। उसमें एरिया में था ना इसलिए प्रकोप लग गया तेरा प्रकोप लग गया। चल वैसे चंद्र ग्रहण था और आज सूर्य ग्रहण लग गया। अरे पानी तो पिला गया उनको पहले खुद तो पी लूं धूप में जाऊंगा एनर्जी बहुत जाएगी। हम स्टूडेंट होते थे ना जो सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए गेम खेलने जाते थे वही रिफ्रेशमेंट। अरे काफी तेरा ऑक्सीजन गिर गया नीचे। छोटा बल्ला ही देख बल्ला भी छोटा है ले भाई पैड देख देख रहे जूते भी गोल तू खड़े देखो आज हमारे आने की वजह से ये लोग जीत जाएंगे। 3 मैच लगातार हार रहा था ये लेकिन तेरे आने की वजह से तेरा दोस्त आउट हो गया। अरे टीम जीतनी चाहिए भाई टीम वर्क चलता है यहाँ पर अकेले के किसी 3 मैच कब आ रहे यही बता रहा था भाई। सूरज और भानु तो काफी देर से गए हुए हैं और मुझे एज यूजुअल
नूडल्स खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। आप भी सोचते हो सारी टाइम नूडल नूडल करती रहती है। आई एम अ बिग टाइम नूडल लवर और इस बार मैं ये अगेन मिलेट वाली नूडल्स खा रही हूँ, लेकिन ये है बीटरूट नूडल्स। एक सेकेंड मैं इसमें देखूँ जरा, फैट तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो ये राइस नूडल्स है शायद, नहीं मिलेट वाली नहीं है। चुप कर, तुझे क्या पता। चलो देखते हैं जैसे भी निकलेगी यार, अब कुछ नया ट्राई करना था मेरे को। लो आंटी बना दो बढ़िया सी। आप तो चीज दिखाती हूँ, का है का नूडल्स। अच्छा बाहर रखी है क्या? ये देखो ये री, ये कितनी सी नूडल्स है यार, काली कलर की। चलो देखते हैं किसमें क्या बनता है। का है क्या, ये क्या बना दिया है? एक भी आंटी, ये नूडल्स नहीं है, कुछ और बना दिया आपने। उस दिन की जगह तो नहीं बनी, आप खा के देखो पहले। उस दिन कम था, आज ज्यादा कर दिया। लो डालो ये डालो। अरे इतना सा हो गया बॉयल होने की बात। डालो डालो चम्मच, मेरे को देख रहा है एक बार। सब्जी तू ही कर। नूडल्स अच्छी है, टेस्टी बनाया आपने तो। गाइस ये सब्जी से दिखने वाली नूडल्स अच्छी है। हाँ, मेरे जाते जो नहीं नहीं अरे नहीं, बाहर से जितवा दिया मैं, ग्राउंड के बाहर से चीयर कर कर गया। जाओ अब तुम जा रहे हो मार्केट, मम्मी का फोन आ गया। हाँ बस जा रहे हैं हम लोग, निकल रहे हैं। मैं हूँ बिल्कुल रेडी और मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कफ की प्रॉब्लम हो गई है। भानु कुछ तो अपलोड कर रहा है, उसके बाद बस हम लोग निकलेंगे। और आज रह गया संडे, अब संडे के दिन होती है भयंकर भीड़ मार्केट में। अब आज हम लोग सोच रहे हैं कि हमें स्टोरी बनानी है, बनाना है, वो बनाना है, पता नहीं कैसे बनेगा, पर चलो ठीक है। मेन जो चीज़ है आंटी को शॉपिंग कराना, पहले हम वो करा देंगे फिर देखेंगे, जो चीज़ें होंगी होंगी, नहीं होंगी जो ना सही। आंटी का वेट कर रहे हैं, आंटी को हमने वेट कर दिया था कॉल, अभी तक तो आंटी आई नहीं। देखो मजनू, देखो गाइस आप सबको दिखाती हूँ, ये देखो ये रहा। बीच में आंटी आ रही है उनको देख, यार क्यूट है यार, कुछ भी बोलो। कहाँ है आंटी? लेकिन ये डेंजरस भी है। नहीं डेंजरस तो है, मैं उसको बाय कर रही। चलो नमस्ते आंटी। आपने देखा वो मजनू आपको ऊपर से देख रहा है? देख रहा हूँ। देखो वो देख रहा आंटी आपको ही देख रहा है, वो देखो ऊपर से चले तो आंटी, लेकिन थोड़ा डर लगता है इससे बस। चीज अच्छी है, इसकी एक गलत है वैसे। क्या लोगों पे चिल्लाता है वो जो चिल्लाता है। चलो अब चलते हैं आंटी, आपने कुछ सोचा आपको कैसी साड़ी चाहिए? चलो देख के पसंद करेंगे। चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, अपन चलते हैं वैशाली। अगर अपन को वहाँ मिल जाती है तो ठीक है, आंटी को पसंद आ जाती है ठीक है, नहीं तो फिर अपन छोटा वाला साइड चल देंगे, वहाँ तो मिल ही जाएगी। वहाँ तो आपको जो चाहिए मिल जाएगा, सुई से लेके एरोप्लेन। हम आ गए वापस उसी शॉप पे जिसपे मम्मी को शॉपिंग कराई थी। आप भी लाल कलर की साड़ी, आप कौन से कलर की साड़ी लोगे बताओ? जो पसंद आएगी। लाल तो आपने पहना हुआ है ही। भैया दिखा दो अच्छी सी साड़ी। अब ना भैया हमें शॉप में जो अंकल है ना, वो हमें पहचान लगे रहे, हमें पहचानने लगे। आज अब मम्मी को ला, मैंने कहा आज मैं सूरज की मम्मी को लेके आई हूँ, आज भी हम शॉपिंग साड़ी होगी शॉपिंग, जिसमें हमें हमें बिल्कुल मजा नहीं आता, इन लोगों को बहुत आता है। मुझे भी आ रहा है दो दिन से मजा, जब तुम लोग साड़ी पहनने लग जाओगे। अरे आंटी साड़ी कितना झंझट है साड़ी पहनना, ये ऐसे वो वैसे वो फलान वो ऐसे, बहुत ही नाटक है सच में। मैंने तो एक बार स्कूल में साड़ी पहनी है और एक दो बार वीडियोस के लिए पहनी है, उसके अलावा मैं तो पहन नहीं पाती। मैं निकाल दो उसको, निकाल दो। रेंज क्या चलेगी साड़ी का? आप पहले अच्छी सी साड़ी दिखाओ फिर सोचेंगे, ठीक है? लाल नहीं, बस आंटी कह रही है कि पिछली बार जैसे मेरी मम्मी ने और आंटी ने पिछली बार करवा चौथ के दिन सेम साड़ी पहनी थी लाल बनारसी, तो ये मना कर दी कि मैं लाल नहीं पहनूंगी, काली और नीली पहनते नहीं, उसके अलावा कलर दिखा दो, उसके अलावा पीला ऑरेंज पिंक यही बचे हैं बस। अरे आपको पूरी दुकान दिखा देंगे, मुझे अलग हटके चाहिए, अलग हटके नई चीज चाहिए दिखा दो। आंटी लग तो अच्छी रही है, झूठ तो की बोलू, लग तो सुंदर रही है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आंटी को पता है कौन सी साड़ी पसंद आ रही है? वो देखो सामने, ये देखो ये वाली जो साड़ी ना, जो मम्मी छोड़ के गई थी आंटी को, वो पसंद आ रही है। आंटी को नहीं पता था कि मम्मी छोड़ गई, मैंने बताया आंटी ने, उसकी ना पॉइंट आउट किया, मैंने कहा आंटी ये साड़ी तो मेरी मम्मी छोड़ के गई है। ये जो उस दिन कितना कंफ्यूजन चल रहा, कितना कंफ्यूजन चल रहा था ना ऐसे। आंटी लेकिन आपको एक बात बताऊं, मेरे को ना यार ये साड़ी भी बड़ी सुंदर लगी, मजा आ गया साड़ी को देख के भी। ठीक है भैया वो वाली साड़ी जो मेरी मम्मी उस दिन छोड़ के गई थी ना, वो दिखाओ। आंटी चॉइस तो बढ़िया है आपकी, कॉन्फिडेंस हो गया काफी बड़ा। ये एक तो आंटी को जो हम साड़ी छोड़कर गए थे वो बहुत पसंद आई, तो आंटी ये भी ट्राई करेगी जो मम्मी ने ट्राई की थी, और एक हमने आंटी के लिए ये साड़ी बहुत सुंदर हमें लगी, मतलब पसंद की है, तो आंटी ये भी ट्राई करेगी। अभी देखते हैं कि आंटी को कौन सा पसंद आता है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। मस्त साड़ी चूज किया आंटी आपने, गाइस पहले येलो वाली, अभी देखना क्या क्या साड़ी सही है भैया। कलर तो ये कुछ अलग, कलर अच्छा है, ये सुंदर है साड़ी। वाह आंटी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है।
आंटी अब तो सीठा नहीं लग रही हो सच में, तो लग रही हूँ आंटी ये अच्छी लग रही है, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी अभी डिसीजन पूरा हुआ नहीं, पेंडिंग अभी पेंडिंग है। सुंदर है यार, बहुत प्यारी लग रही है आंटी, ये कलर भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब दूसरी ट्राई करें। हाँ भैया आपको कैसी लगी पहले ये बताओ। जी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है गाइस। अब वो वाली साड़ी, अब जो साड़ी जो मेरी मम्मी ने पहनी आंटी भी पहन रही है, मुझे बता भी नहीं मम्मी ने। हाँ बताओ, ये तो कोइंसिडेंस है, जब मैं देखते ही देख ली पहचान में आ गई, पसंद आ गई भी लगती है। नहीं अच्छी है साड़ी, अच्छी है। हमने भी मतलब जब उसको मतलब किया ना, हम बहुत ऐसे होते हैं उसको छोड़े नहीं छोड़े क्या करें, फिर मैंने कहा मम्मी आप ये वो पिंक वाली मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही थी, आंटी को ये अच्छी लग रही है। मुझे तो वो ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है उन्होंने अच्छी लग रही है आंटी, ऐसे कोई इनका मुकाबला नहीं है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें, वो कलर अंकल को पसंद नहीं आया तो नहीं देंगे फिर वो। हाँ तो फिर कोई नहीं, ये ले लो, ये भी अच्छी है यार, दोनों सुंदर लग रही है। बट आंटी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, उसमें वो एक ही कलर है, इसमें और भी बहुत सारे कलर है, तो आप इसमें और भी कलर है इसके शेडिंग में। अच्छा शेडिंग में मतलब एक तो आप वो एक ही कलर ले लोगी, एक आप इसमें थोड़ा मतलब सारे कलर आ जाएंगे शेड में, तो आप कह रहे हो अंकल को पसंद नहीं है तो फिर ये पहनो, आप करवा चौथ का व्रत इसके लिए रखोगी बताओ। गाइस अब मैं समझ गई, मेन बात तो अंकल है, अंकल ही है मेन बात तो। अब आप फिर ये वाली साड़ी ले लो, बोलो या एक बार आंटी वो पिंक वाली पहनोगी, वो पिंक पहनोगी भैया, वो पिंक भी ले गया उनको। हमें एक और साड़ी ट्राई करेंगे, एक और मम्मी ने बोला ना दोनों ले लेते हैं, आंटी भी दोनों ले लेते हैं, दोनों की दोनों तो ले लो ना, आपको अच्छी लग रही है तो। गाइस मैं बता रही हूँ जितनी साड़ी ये देखेंगी ना उतना इनका मन चलेगा। आंटी दोनों दोनों आंटी का तो मन दोनों पे ही है। रुको एक बार पहले ये भी मतलब कोशिश करेंगे पहले। गाइस अभी दिखाती हूँ मैं आपको, मैं ना इस पर खड़ी हूँ इस पे ताकि मैं लेवल में आ सकूं। और यार ये भी सुंदर लग रही है, लो ले लो ठीक है, दोनों ले लेते हैं, ले लो। चलो भाई दो दो साड़ियाँ लेकर खत्म मन की, तुम बच्चों के साथ में आगे कुछ तो फायदा हुआ नहीं। अब आंटी पहन रही है इस दुकान की सबसे सुंदर साड़ी, है ना है आंटी। हाँ। ये इस दुकान की सबसे सुंदर साड़ी, मैंने भैया से पूछा था कि भैया आप मुझे सबसे अच्छी साड़ी दिखाओ, तो भैया ने ये दिखाई है, तो हमारी ना सिर्फ स्टोरी बना रहे हैं, हमने आंटी को बुआ जी बना दिया है आंटी, और अब आंटी को हम ये साड़ी ट्राई करवा रहे हैं। आंटी को तो जो चाहिए थी वो मिल गई है ना, मिल गई साड़ी, मिल गई। ये देखो आंटी आज तो पूरी परी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है आंटी आप तो इसमें। आंटी को सबसे सुंदर भी यही लगी है, मतलब बहुत आंटी को ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी, इसे दो तीन साड़ी और थी जो दुकान की बेस्ट थी, पर आंटी ने बोला ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो हमने आंटी को आज ये ट्राई करवाई है। अब दिवाली पे आंटी आपके लिए यही लेके जाएंगे, ठीक है। अब हमारी आंटी का ब्लाउज, क्योंकि अब बहुत पास है करवा चौथ तो बनने में इशू होते हैं, इसलिए मैंने भैया को जिम्मेदारी दे दी, मैंने कहा भैया आप मुझे इसका ब्लाउज रेडी करवा के दोगे, और भैया ने हाँ भी बोल दिया, आंटी का नाप हो गया। चलो अब आराम से पहन लेगी साड़ी, नहीं तो ये होता कि हमारा ब्लाउज नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, सब हो जाए। ये हमने मम्मी की साड़ी भी ले ली जो उस दिन पसंद की थी, देखो आंटी ये जो आपने वो ब्लू और वो देखी थी ना उसमें पिंक और लाल। फिर कॉफी आ चुकी है आंटी, तो आंटी आप एक काम करो दो पी लो, मेरी बाती की भी मैं तो पी नहीं सकती आंटी, एक और रख जाओ इधर ही, एक और रख जाओ बस, ये लो दो साड़ी दो दो कॉफी। सबके सब गए शॉपिंग में, यहाँ पर मैं और टीपू भाई कर रहे हैं शूट, वीडियो शूट। ऐसे आप लोग को कभी कभी बहुत कम देखता हूँ ना, मैं काम करता हुआ कमेंट भी करने लगे, बोले काम तो सब कर रहे होते हैं, मैं आज टाइम बाहर ही रहता हूँ, मैं मार्केट का काम कर रहा था दोस्तों, इसके लिए टाइम कम मिल पाता है, लेकिन हाँ अब आज से शूट चालू कर दिया, बस दिवाली आ रही है तो काफी सारा कंटेंट शूट करने वाला है। फिलहाल ये दिवाली का आउटफिट नहीं है, ये एक आउटफिट मैंने मंगाया हुआ था जिसका मैंने शूट कराया आज। फुल लुक कुछ ऐसा है इसका, ठीक से दिखाई नहीं पा रहा यार, मैं जगह कम हो गई, फ्लैट छोटा पड़ रहा है हमारे लिए। अब आप देखो मेरा फुल लुक, ये है मेरा आज का OOTD। अब क्या टिप वगैरह कम आ पाते हैं तो मैं कम काम कर पाता हूँ, ठीक है, बिजी है अपनी प्री वेडिंग शूट्स और उसके अंदर मैं जैसे आपको अपडेट कर रहा था। अच्छा। इससे टिप भाई की अटेंडेंस थोड़ी कम लगती है। हमारी साड़ियाँ हो चुकी हैं, अब हम जा रहे हैं आंटी को पायल और बिछियां दिलाने, इन दोनों को एक टाइम पे एक ही चीज लेनी है, पायल बिछिया साड़ी, पायल बिछिया साड़ी। और उसी दुकान पे चल रहे हैं ना भरूपन, उसी दुकान पे जा रहे हैं जहाँ पर मम्मी को हमने दिलाई थी। अच्छा मतलब अच्छी नहीं खुली है तो वहाँ पर कलेक्शन सही था, वहीं लेके जा रहे हैं आंटी को भी। आ गए हम लोग दुकान पे और देखो कितना भयंकर ट्रैफिक है, पैदल चल के आनू बेचारा गाड़ी नहीं निकाल पा रहा, हम लोग पैदल चल के आए क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। आंटी को चलो आंटी आज आपको दिलाते हैं, आप बताओ कैसी चाहिए आपको, जो पसंद आ जाएगी। देखो भैया आप अपने हिसाब से दिखा दो, ठीक है आंटी जी, हो गया आपका सारा काम। हाँ, हो गया बेटा, आपका बस एक मेकअप बचा है जो मैं आपको कल भेज दूंगी। ठीक 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 है। हाँ। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। आ गए हम लोग, परेशान मत होना, आराम से भेज देना कल परसों, ये कल भेज दूंगी मैं, फिर दो दिन बाद तो है ही आपका करवा चौथ। गाइस थक गए तुम बहुत ज्यादा, उल्टी आ गई। क्यों यार थकने से उल्टी आ गई? अरे मतलब जी खराब हो गया गाड़ी में यार। कराई शॉपिंग? हाँ शॉपिंग हो गई, दो दो साड़ियाँ लाई हैं। आगे से कॉल आ गया, मेरी तो अच्छे से हो गई शॉपिंग। मुझे क्या बोलती है, मेरा फायदा हो गया आने का। जरा अच्छा हुआ ना, अच्छे से खुश हो गई बहुत ज्यादा वो।
खूब बड़े तरीके शॉपिंग हो गई। बस उनका मेकअप नहीं हुआ, वो कल परसों में जाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, मेरे को खुद को भी मेकअप बनाना है। हाँ तो चल, तू तो काम पे लग जा। राम देख लो, बैठे बैठे हंस रहे मुस्कुरा रहे, मतलब अब तो इनके मुंह से चू भी नहीं निकलेगा। टाइम से काम कर लोगे तो मैंने तुम्हारे लिए लियो मूवी की टिकट्स बुक करा रखी है, तो चल लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग तो जा ही रहे। हाँ तो जाओ निकलो, हम लोग में मैं भी हूँ गाइस। अकेली रह जाएगी यहाँ पर, इसके बिना मैं जा सकता हूँ क्या दोस्तों, आपको लगता है? मैं जा सकती हूँ, तू जा सकती है, ये सब जा ही सकते, चल लेंगे। छुपाया मैं निकल नहीं निकला, और निकल गया, जल और गया। अरे बारह ने दूध और जला दी यार, मुझे क्या पता इतनी जल्दी चल जाएगा ये। भाई साहब वहाँ बातें करनी है ये, वहाँ पर मम्मी आ गई। कहाँ है? सुसु करने गई है। आंटी आपकी बेटी ने देखो क्या करा, इधर एक बार देखो, मेरी टी शर्ट देखो एक बार, देखो ये क्यों हो यार। वो भी मैं, हमने ना एक रोल ऑन मंगवाया, उससे ना दाग निकल जाते हैं, तो मैंने पहले इसके यहाँ पर दाग के चक्कर में कलर ही निकल गया टी शर्ट का। आपको पता आंटी कौन सी साड़ी लाई है जो आप छोड़ के आए थे, पिंक कलर वाली? हाँ तो अच्छी बात है। वो था एक गोल्डन कलर की साड़ी थी, इतनी सुंदर लग रही थी, गोल्डन येलो कुछ थी, इतनी सुंदर लग रही वो साड़ी। तो पहले हमने डिसाइड किया कि वो दो शेड वाली साड़ी थी, तो मेरे आंटी आप ये साड़ी तो ले लो, इतनी सुंदर लग रही थी वो साड़ी, बहुत अच्छी। आज हो गई शॉपिंग बहुत। और आपको पता है रानी हार पहन पहन के ट्राई करके आई है सोने के, रानी हार तो फिर दिलाना भी चाहिए था भाई। हाँ सही बात है भाई साहब, बोल रहे हो अभी क्या कुछ आने वाला है, तो इससे पहले पहले जितनी चीजें खा सकता हूँ तो खा लूं। अभी क्या है? एक दिन के लिए नहीं। ओह माय गॉड, कितना पतला हो गया फ्लैट में। चलो इसी बात पे जा, तो जरा मोमोज बन रहे, कौन बना कौन रहा है? भाई डैडी टू मेड है। हाँ से बन नहीं रहे वैसे, मैं ना आया मैं देखो खाऊंगा ये बंदा पूरा भाई। एक भी बताता था सारे झूठे यार, लेकिन बहुत ही टेस्टी मोमो, बहुत ही टेस्टी भाई। खाता जाएगा तो क्या होता है, तेज में मोटा हो गया, तेज में मोटा हो गया, पतला रह रहा भैया। तीन मोमोज पड़े थे, बात करने के चक्कर में एक केले के एक बताता है, सुनो बात तो छोड़ो, पिज्जा लग रहा है। दुनिया में सबसे टेस्टी मोमोज यही है, वो अलग ही किचन में लगी रहती है, एक्सपेरिमेंट कर रही है भाई साहब। आज प्लेट लग रहा है बराबरा, मैं तो आता हूँ, मैं तो रोनक लेकर आता हूँ साथ में। अरे अंधेरा कर दिया तूने, लाइट जलाई है हमने, लाइट लगानी पड़ गई बता। ये तो दिल में तुम भी जानते हो क्या। अरे भाई तो जीतनी थी इंडिया भाई, मैं पहला पूरे रास्ते मैच जिताते हुए इंडिया को। हाँ इंग्लैंड के साथ। अच्छा भाई उसने आंटी को वो इज्जत के नाम से पूछ लिया, वरना वो देगा क्या किसी को? सब ठीक है भाई, करवा चौथ का क्या प्लान है आपका? वो भैया करवा चौथ की साड़ी दिलाओ और करवा चौथ का व्रत करो, और पाजेब और पायल भी दिलाते हैं। हाँ, हमने दिलाई थी पाजेब और पायल, एक ही होती है। अच्छा बिछिया 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 नहीं नहीं दिलाते नहीं दिलाते, मैं कंजूस आदमी यार, मतलब यार वो शादी के बाद वाला होता है, अभी शादी से पहले तो बस भाई हो गया ना आपका। तो फिर एक बार बता, एक बार शादी से पहले करवा चौथ कैसे बना रहे हो तुम लोग? तो वो होता है। अरे ये निब्बा निब्बी हो रहे हैं ज्यादा ही, निब्बा निब्बी नहीं वैसे रखते पास तो यार, रोके के पास स्टार्ट हो रहा है कंजूस, तो भाई एक नंबर का कंजूस। प्राची से आज मिली, इसको छोड़ने आती, इसको लेने आती है, और बता प्राची अगर बेटा तू ब्लॉग देखे ना तो मेरी रिक्वेस्ट है साड़ी जरूर लेना। यस ओके प्राची तू ब्लॉग मत देख रहा, रेड कलर की पिंक कलर की साड़ी तो भाई खूबसूरत। अभी चल रहा है डिनर, मेरे तो दाल चावल, इनकी बिरयानी, इसकी पापड़ की सब्जी और रोटी, और ये सब में से खा रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं लियो मूवी देखने के लिए, सारे के सारे एक साथ, बड़े दिनों बाद मूवी है ना दोस्तों। हम लोग मूवी देख कर आ चुके हैं और एक नंबर मूवी, नंबर मूवी, मजा ही आ गया भाई। मेरा गला बैठा हूँ फिर चला रही है, बहुत मजा आया। कहीं अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखने जाएगा बिल्कुल जरूर से। मूवी का नाम भी बता दो। लियो लियो लियो, लियो देखिए यार लियो। दोस्तों आज का फन होता है यहीं पे खत्म, और ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।